सो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द टुडेज हिंदू एनालिसिस। तो आज की इस वीडियो में हम कोशिश करेंगे आज के सारे इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स और एडिटोरियल जो कि एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है उन्हें कवर करने की। सो विदाउट एनी फर्दर डिले लेट्स गेट स्टार्टेड। पहला टॉपिक जो हम लोगों ने पिकअप किया है वो है बेसिकली गिग वर्कर्स से रिलेटेड। तो सबसे पहले बात करते हैं गिग वर्कर्स की। अगर गिग वर्कर्स को हम समझने की कोशिश करें तो सबसे लेमेन टर्म में जो इसका एग्जाम्पल हम लोग रोज देखते हैं वो है हमारे ऊबर ड्राइवर्स, जोमेटो के जो डिलीवरी पार्टनर्स होते हैं, ये सारे आते हैं हमारे गिग वर्कर्स में। इसकी फॉर्मल डेफिनेशन है वैसे कॉन्ट्रैक्टर्स और या फ्रीलांसर जो कि परमानेंट एम्प्लॉय नहीं है, यानी कि इन्हें कभी भी हायर किया जाता है, कभी भी फायर किया जाता है। इन्हें परमानेंट एम्प्लॉय जैसे बेनिफिट्स नहीं मिलते हैं, जैसे कि पेंशन या और भी कई सारे बेनिफिट्स, हेल्थ बेनिफिट। अब गिग वर्कर को समझ लिया हम लोगों ने, अब हम समझते हैं इसके ड्रॉबैक्स क्या है। अब सबसे पहला ड्रॉबैक ये है कि उनकी शेड्यूल टाइम कोई फिक्स नहीं है। उन्हें कई बार कई गुना ज़्यादा काम करवाया जाता है, यहाँ तक कि कई बार उन्हें लेट नाइट तक भी काम करना पड़ता है। सेकेंड है हमारा, उनका सोशल सिक्योरिटी भी काफ़ी अच्छा नहीं है। जैसा कि हमें पता है कि इनकी पेमेंट उतनी ही होती है जितना ये काम करते हैं। अगर किसी दिन कोई वर्कर काम करने नहीं आता, हम लोग जनरल एग्जाम्पल के लिए लेके चलते हैं हमारे जोमेटो के डिलीवरी पार्टनर को, अगर वो उस दिन काम पे नहीं आए तो उन्हें उनकी पेमेंट नहीं मिलनी है, हमें ये पता है। तो इस तरह की प्रॉब्लम्स वो फेस करते हैं। अगर वो इंसान, वो डिलीवरी पार्टनर अपने घर का ओनली अर्निंग पर्सन है और किसी कारण, किसी इलनेस के कारण वो काम पे नहीं आ पाता तो उनकी पूरी फैमिली भूखी सोएगी। उसके बाद आता है ट्रांसपेरेंसी इन अर्निंग। कितने अर्न करते हैं वो सारे वेबसाइट बेस्ड होते हैं। सबसे पहले पॉइंट ये भी क्लियर करने वाली है, गिग वर्कर सिर्फ वेबसाइट बेस्ड जैसे कि ऊबर, ओला और जोमेटो बेस्ड ही नहीं होते हैं। ये कई सारे और भी जॉब्स होते हैं, जैसे कि किसी इंडिविजुअल ने किसी कॉन्ट्रैक्ट पर किसी पर्सन को हायर किया है, वो उसे कभी भी फायर कर सकता है, उसकी परमानेंट जॉब की या परमानेंट वर्कर्स जैसे बेनिफिट उन्हें भी नहीं दिए जाते। उसके बाद बात करते हैं कार्टेलाइजेशन ऑफ द एम्प्लॉय। हमें पता है कि सभी वर्कर्स की कंडीशन, चाहे वो ऊबर के लिए काम करे, ओला के लिए काम करे, सभी कंडीशन वैसी ही हैं। तो एक तरह से सारी बिग कंपनीज एक कार्टल फॉर्म कर चुकी है और छोटे छोटे एम्प्लॉयज इससे काफ़ी प्रॉब्लम में हैं। और बायस्ड अगेन वुमेन, इसका भी एग्जांपल हम लोग लाइव देखते हैं। हम लोगों ने एक वेबसाइट बेस्ड ही कई सारे काम देखे हैं जहां मेल डोमिनेशन ज़्यादा है, वुमेन काफ़ी कम पार्टिसिपेट करती है, या फिर ऐसा भी बोल सकते हैं कि वुमेन्स को काफ़ी कम चांसेस दिए जाते हैं। अब फिर भी ये गिग वर्कर्स हमारे इंडिया में काफ़ी चलता है, तो इसके कुछ तो बेनिफिट्स होंगे, तो इसके बेनिफिट्स की भी बात कर लेते हैं। तो सबसे पहला है ईज़ ऑफ एम्प्लॉयमेंट। जैसा कि हमारे कंट्री में काफ़ी अनएम्प्लॉयमेंट है और ये एक तरह का सोर्स है जो कि दोनों को प्रॉफिट करवाता है, कंपनी को भी, ताकि उन्हें एक परमानेंट एम्प्लॉय हायर ना करना पड़े, उनकी कॉस्ट कम हो जाए, और यहाँ तक कि ये एम्प्लॉयमेंट भी प्रोवाइड करता है, क्योंकि हमारे कंट्री में कई सारे ऐसे लोग हैं जिनके पास खाने के लिए भी पैसा नहीं है। तो सेकंड है इंटरनेट पेनेट्रेशन। इनके वजह से भी काफ़ी बूम आया है, क्योंकि इंटरनेट के अवेलेबिलिटी से ही गिग वर्कर्स काफ़ी तेज़ी से फैले हैं। पहले गिग वर्कर्स छोटे छोटे दुकानों में या छोटी छोटी जगह पर, लोकल जगह काम करते थे, बट इसके आने से एक साथ काफ़ी ज़्यादा गिग वर्कर्स की एम्प्लॉयमेंट मिली है और इकोनॉमिक ग्रोथ हम समझते हैं। अब इस आर्टिकल में इसके आगे एक सिस्टम के बारे में बताया गया है जो कि हमाल सिस्टम। हमाल हम लोगों को पता है बेसिकली वो लोग होते हैं जो अपने बैक पे इस तरह के लोड्स को कैरी करते हैं। तो हमाल मोड ऑफ सिस्टम क्या है, पहले ज़माने में क्या होता था कि कुछ लोग, कुछ बड़े मतलब एलाइट लोग छोटे छोटे कम्युनिटी के लोगों को हायर करते थे ताकि छोटे छोटे काम उनसे करवा सके। वो इस तरह के, तो ऑब्वियस सी बात है इनका एक्सप्लॉयटेशन भी काफ़ी ज़्यादा होता था। तो उस टाइम पे हमाल की एक पंचायत बनाई गई थी जो कि काफ़ी इफेक्टिव रहा। सेकेंडली एक मठाडी बोर्ड सेटअप किया गया था जो कि इंश्योर करता था कि जितने भी हमारे एम्प्लॉयर्स हैं उस टाइम के, वो सारे उस टाइम के एम्प्लॉयर्स जनरली शॉपकीपर्स या मर्चेंट्स होते थे, तो वो लोग भी रजिस्टर्ड हो, जितने हमारे हमाल्स हैं, वर्कर्स हैं, वो भी रजिस्टर्ड हो, ताकि एक ट्रांसपेरेंसी मेंटेन हो सके। सेकेंडली वो पर लोड चार्जेस, फॉर एग्जांपल ये एक पर्सन है, ये एक बैग कैरी कर रहा है, इस पे कंपनी को यानी कि उस शॉपकीपर को कुछ लेवी, कुछ चार्जेस पे करने होंगे जो कि वो बोर्ड इनके वेलफेयर में, इनको घर देने में, इस तरह की स्कीम में खर्चा करेगी। आखिर में इसी बोर्ड को ध्यान में रखते हुए राजस्थान की गवर्नमेंट ने एक न्यू लॉ को पास किया है। बेसिकली ये लॉ है जनरली रजिस्ट्रेशन एंड वेलफेयर एक्ट 2023।
अब इस लॉ के अनुसार क्या है, हम लोग सेम चीज को दोहरा रहे हैं बस मॉडर्नाइज्ड वे में। मॉडर्नाइज्ड वे में इन द सेंस, क्योंकि जो भी चीज होने वाली है सब डिजिटल होने वाली है। सारे मर्चेंट्स रजिस्टर्ड होंगे डिजिटली, सारे वर्कर्स रजिस्टर्ड होंगे डिजिटली, सारे पेमेंट्स ट्रांसपेरेंसी के साथ दिखे जाएंगे। तो इनसे काफी बेनिफिट होगा, इनसे काफी वर्कर्स का एक्सप्लॉयटेशन नहीं होगा, बस उन्हें ही उठा के डिजिटल फॉर्म में हम लोग प्रेजेंट करते हैं। तो इस आर्टिकल में इतना ही बताया गया था। अब हम पढ़ते हैं अपने अगले आर्टिकल की तरफ, जो कि डिस्पोजेबल वेस्ट से रिलेटेड है। तो इस आर्टिकल में हम बात करने वाले हैं बेसिकली सबसे पहले स्टील सेक्टर के बारे में, क्योंकि हमें पता है स्टील सेक्टर में ही सबसे ज़्यादा कार्बन एमिशन हो रहा है। अगर डेटा के माने तो ऑलमोस्ट 7% जो एनर्जी सेक्टर से ही हमारे कार्बन एमिशन हो रहे हैं, और इनकी रिसाइकल भी नहीं की जा रही है। सिर्फ बोला जाता है 15 से 25% ही जो स्टील है वो रिसाइकल हो रही है। तो अब हम लोग क्योंकि नेट जीरो एम्बिशन की बात करते हैं, नेट जीरो एम्बिशन बेसिकली क्या है कि जितने भी कार्बन एमिट हम लोग कर रहे हैं, फॉर एग्जांपल इंडिया कार्बन कुछ अमाउंट में एमिट कर रहा है, वो उन्हें एब्जॉर्ब भी करे बाय एफॉरेस्टेशन या इस तरह के मेजर्स लेके। तो जितने भी कार्बन एमिट होंगे उतने ही एब्जॉर्ब हो जाएंगे, तो नेट कार्बन एमिशन क्या होगा, जीरो। तो उसे ही हम लोग नेट जीरो एम्बिशन कहते हैं। अब अगले पॉइंट की तरफ आगे बढ़े तो अगला पॉइंट है एक्सटेंडेड प्रोड्यूसर रिस्पॉन्सिबिलिटी, यानी कि प्रोड्यूसर को रिस्पॉन्सिबिलिटी दिया जाता है कि उन्हें वो किस तरह रिसाइकल करेंगे। इसमें बेसिकली दो वेस्ट सबसे ज़्यादा मेजर हैं। सबसे पहला है हमारा इंडस्ट्रियल वेस्ट और दूसरा है एग्रीकल्चरल वेस्ट, जैसा कि यहाँ मेंशन किया गया है। इसके बाद बात की गई है सर्कुलर बायो इकोनॉमी की, यानी कि बायोलॉजिकल वेस्ट को भी सर्कुलर यानी कि वापस से रिसाइकल करना है। और इस पॉइंट की हम लोग थोड़ी देर में बात करेंगे क्योंकि ये हमारा आर्टिकल का लास्ट पैरा है। इसके बाद बात करते हैं गवर्नमेंट की कुछ स्कीम की, जैसे कि सबसे पहले है हमारी प्रधानमंत्री जीवन योजना। अब इसके अनुसार क्या है, हम लोग वेस्ट जैसे कि एथेनॉल, सेकेंड जनरेशन एथेनॉल को रिड्यूस करने वाले हैं, किससे, बेसिकली एग्रीकल्चरल वेस्ट से यानी कि क्रॉप रेसिड्यू, या फिर म्यूनिसिपल सॉलिड वेस्ट से, जो हम लोगों ने डिस्कस किया था हमारा मेजर प्रॉब्लम अभी के टाइम पे बना हुआ है। इसमें ये भी है कि हमारे गवर्नमेंट ने ये इंस्ट्रक्शन भी दिए हैं कि 5% की ब्लेंड, मतलब जो भी 5% हमारा एनर्जी बन रही है वो आनी चाहिए ऑलमोस्ट बायो एग्रीकल्चरल रिसोर्सेज से। मतलब हमें कम्प्लीटली कोल डिपेंडेंट नहीं रहना है, कम से कम 5% तो बायो एग्रो रिसोर्सेज यानी कि इन दोनों का यूज़ करके आनी चाहिए। इसके बाद बढ़ते हैं अब हमारे अगले पॉइंट पर, जो कि है गैल्वनाइजेशन, बेसिकली बायो एग्रो रिसोर्सेज और गोबर गैस के बारे में। जैसा कि हमें पता है कि गोबर गैस का हम लोग यूज़ कर सकते हैं एज ए फ्यूल, तो गोबर गैस को भी प्रमोट किया जा रहा है बाय गवर्नमेंट, क्योंकि ये पॉल्यूट नहीं करती है एनवायरनमेंट को और काफ़ी अच्छा फ्यूल की तरह यूज़ हो सकती है। सेकेंडली ये भी बताया जाता है कि 500 से ज़्यादा बायोगैस प्लांट बनाए गए हैं एंड सो ऑन। इसके बाद बढ़ते हैं आखिरी स्कीम की तरफ, जो है हमारा सस्टेनेबल अल्टरनेटिव टूवर्ड्स अफोर्डेबल ट्रांसपोर्टेशन। बेसिकली इस स्कीम में बस यही है कि वो चाहते हैं कि एक कंप्रेस्ड बायोगैस यूज़ हो, जो कि ट्रांसपोर्टेशन फ्यूल की तरह यूज़ होनी चाहिए, ताकि हम लोग पेट्रोल यानी कि फॉसिल फ्यूल का कम से कम यूज़ करें, पेट्रोलियम का कम से कम यूज़ करें और एक बायोगैस को यूज़ करें एज ए फ्यूल फॉर ट्रांसपोर्टेशन, जो कि काफ़ी अच्छी फ्यूल होगी, ग्रीन ट्रांसपोर्टेशन फ्यूल। अब आखिर में इस पॉइंट को डिस्कस कर लेते हैं जो हम लोगों ने स्किप किया था। ये बेसिकली बात करती है इंडस्ट्रियल कोअलिशन की। बेसिकली ये कहती है कि सभी इंडस्ट्रीज के एक्सपर्ट को साथ में आना चाहिए, आइडिया शेयर करनी चाहिए, ताकि वो सारे के सारे रिन्यूएबल रिसोर्सेज को यूज़ कर सके, अपने आइडिया एक्सचेंज कर सके, ताकि रिसाइकल प्रोसेस काफ़ी तेज़ी से हो। तो इस आर्टिकल को एंड करने के बाद पढ़ते हैं हम अपने अगले आर्टिकल की तरफ। ये है बेसिकली हमारे हिमाचल के फ्लड के बारे में। अब इसमें बेसिकली डिजास्टर से रिलेटेड बातें की गई है। सबसे पहला डिजास्टर हमारा, जो चेंजेस देखा जा रहा है, इश्यूज क्या है, क्यों हो रही है डिजास्टर, तो पहला है हमारा क्लाइमेटिक चेंज। अब क्लाइमेटिक चेंज कैसे हुई, जैसा कि हमें पता है कि रेनफॉल अब बिल्कुल भी इक्वल नहीं रही। पहले एग्जाम्पल के साथ ले लेते हैं कि पहले हमारे रेनफॉल होती थी बट ये काफ़ी यूनिफॉर्म होती थी, बट अब क्या हो रहा है, आज रेनफॉल हो रही है बट अब सीधा 15 दिन के बाद होगी, वो भी बिल्कुल हैवी रेनफॉल, जिसके वजह से एक छोटे से एरिया में काफ़ी अनइवन रेनफॉल देखा जा रहा है, जिसके वजह से काफ़ी प्रॉब्लम्स आ रही। और इसका रीज़न एक ये भी है कि चेंजिंग लैंड पैटर्न। पहले क्या था, एक मान लीजिए एक लैंड का टुकड़ा है, यहाँ ढेर सारे ट्रीज हैं। अब ये ट्री क्या करेगी, ट्रांसमिशन के द्वारा वाटर वेपर रिलीज करेगी, क्लाउड की फॉर्मेशन होगी और रेनफॉल होगी, तो यूनिफॉर्म रेनफॉल देखने के लिए मिलती थी। बट ड्यू टू डिफॉरेस्टेशन क्या हुआ, यहाँ के पेड़ पौधे बिल्कुल खत्म हो गए, तो अब रेनफॉल होगी तो बिल्कुल हैवी होगी, नहीं तो बिल्कुल नहीं होगी।
तो इस तरह के इश्यूज हैं। अब आगे बढ़ें तो एक और इश्यू है हमारा हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट। अब क्योंकि डैम्स बनाए जा रहे हैं तो इनके वजह से भी थोड़े थोड़े प्रॉब्लम्स हो रही है, क्योंकि हमें हाइड्रो इलेक्ट्रिक के लिए डैम्स के क्रिएशन जरूरी है ताकि टर्बाइन यूज कर सके। तो क्या हो रहा है, यहाँ बेसिकली डैम्स के जस्ट आगे वाले एरिया में काफ़ी सारे सेडिमेंट्स जमा हो रहे हैं। अगर ये हमारा रिवर का ये है तो यहाँ सारे के सारे सेडिमेंट्स जमा हो रहे हैं, तो यहाँ पे क्या हुआ, काफ़ी कम स्पेस बचा है वाटर के फ्लो के लिए। तो जैसे ही हेवी रेनफॉल होगा ये ओवरफ्लो करेगा ही, तो इस तरह के केसेस देखने के लिए मिलते हैं। हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर की वजह से भी प्रॉब्लम हो रहा है। फॉर एग्जांपल ये हिल है, हमें रोड बनाना है, हमने इसे बीच से ही काट दिया, तो ये तो बिल्कुल गलत है, क्योंकि यहाँ से फिर लैंडफॉल के खतरे बढ़ते हैं। तो इन सभी पॉइंट को फ्लड का एक रीज़न बताया जाता है और डिजास्टर के कारण बताए जाते हैं। तो इस आर्टिकल को एंड करने के बाद पढ़ते हैं हम अपने अगले आर्टिकल की तरफ, जो है बेसिकली फुल रिजर्व बैंकिंग से रिलेटेड। सबसे पहले ये टर्म समझने की कोशिश करते हैं, आखिर फुल रिजर्व बैंकिंग है क्या। अब इसे समझने के लिए हमें समझना होगा डिपॉजिट्स। हमें पता है डिपॉजिट दो तरह के होते हैं, डिमांड डिपॉजिट जो हमारे सेविंग अकाउंट्स होते हैं क्योंकि इसमें हम जब चाहे कैश विड्रॉ कर सकते हैं। सेकेंड है हमारे टाइम डिपॉजिट। अब टाइम डिपॉजिट जैसे कि FD, क्योंकि एक फिक्स्ड टाइम तक, फॉर एग्जांपल 5 ईयर्स के लिए हमने कुछ पैसे फिक्स करवाए हैं, तो 5 साल तक तो हम उसे नहीं निकाल सकते। अब डिपॉजिट्स की बात करते हैं, तो सबसे पहला मॉडल हम लोग एज्यूम करते हैं। फॉर एग्जांपल एक बैंक है, यहाँ 10 लोगों ने कुछ डिपॉजिट किया। अब बैंक को बदले में इन्हें इंटरेस्ट भी देना पड़ता है, तो बैंक क्या करेगी, आगे लोन प्रोवाइड करेगी। अब फॉर एग्जांपल बैंक के पास टोटल 10 लाख रुपए डिपॉजिट आए, बैंक ने पूरे के पूरे 10 लाख रुपए लोन के साथ दे दिया। अब अगर इन लोगों को मनी की प्रॉब्लम पड़ी, मनी चाहिए इन्हें वापस, ये 10 एक साथ बैंक पहुंच गए, तो अब बैंक उन्हें वापस कहां से करेगी, ये तो काफ़ी प्रॉब्लमेटिक हो जाएगा सभी लोगों के लिए। इसीलिए ये सिस्टम कम्प्लीटली ख़त्म है। अब सेकेंड सिस्टम हम लोग बात कर सकते हैं, जो कि है फ्रैक्शनल रिजर्व बैंकिंग, यानी कि जो हम लोग करेंटली फॉलो भी कर रहे हैं। बेसिकली ये क्या है कि बैंक क्या करती है, कुछ अमाउंट अपने पास रखती है। फॉर एग्जांपल 10 लाख रुपए थे, बैंक ने 7 लाख रुपए लोन की तरह दे दिया और 3 लाख रुपए अपने पास रखे, क्योंकि बैंक को भी पता है कि सभी लोग एक साथ पेमेंट लेने तो आएंगे नहीं। बेसिकली इसमें भी खतरा है, क्योंकि अगर सभी आ ही गए तो क्या ही कर लेगी बैंक। तो इसीलिए ये सिस्टम को यूज़ करने की बात कही गई है। बेसिकली इस सिस्टम में क्या है कि जो हमारा दो तरह का डिपॉजिट हमने पढ़ा था, कि ये जो डिमांड डिपॉजिट है इन्हें आप लोन की तरह मत दो, इन्हें तो आप बैंक में रखो, और जो टाइम डिपॉजिट है उन्हें आप लोन की तरह यूज़ कर सकते हो। तो बात आती है बैंक को इसमें फ़ायदा क्या हुआ, वो कहती है कि अगर आपको चाहिए तो आप इंटरेस्ट इनसे ही ले लो, कि अगर आप डिपॉजिट करने आते हो कि आप मेरे पैसे सेफ रखो, तो आपको 2-3% आपको इंटरेस्ट देना होगा अपने पैसों पे, लेकिन फिर हम ये पैसे आगे किसी को लोन की तरह नहीं देंगे, ताकि आप जब आएँ आपको ये पूरे के पूरे पैसे वापस मिल जाएंगे, और फिक्स्ड डिपॉजिट को आप लोन की तरह तो यूज़ कर ही सकते हो। तो ये है हमारा फुल रिजर्व बैंकिंग। सो आई होप अभी तक आपको सारे आर्टिकल्स अच्छे तरह समझ आए होंगे। सो इफ़ यू अंडरस्टूड एवरीथिंग, डू प्रेस द लाइक बटन, सब्सक्राइब टू आवर चैनल, एंड वी विल कीप पोस्टिंग हिंदू एनालिसिस ऑन द डेली बेसिस। तो मिलते हैं अब हम लोग कल के वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, सी यू ऑल।